गुड मॉर्निंग जी, आज मैं बताती हूँ। देखिए, मैं जोमेटो का काम करती हूँ, तो अभी जस्ट मेरा ऑर्डर आया है, अंडा करी, 3 चपाती और 1 ऑमलेट सैंडविच। इसके लिए मुझे टाइम मिलता है सिर्फ 15 मिनट का, 15 मिनट का। तो 15 मिनट में मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों को भी शेयर करती हूँ। पहले मैंने थोड़ा ऑयल डाला है, फिर ये करी पेस्ट डाला है जो मैं बना के रखती हूँ, करी का पेस्ट ये मैंने डाला। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, बाद मैंने रोटी का आटा निकाल के रख दिया है रोटी बनाने के लिए। ये मैं सवेरे गूंथ के रखती हूँ। फिर मुझे एक सैंडविच बनाना है, देखिए सैंडविच के लिए मैंने लिया है ग्रीन अनियन। यहाँ पे मसाला आपका सेक रहा है, उसे अच्छे से गर्म करना है आपको। यहाँ पे सैंडविच के लिए मैंने 2 ब्रेड निकाल ली हैं और ये मेरा अनियन है। अच्छे से इसको पकने देंगे। फिर लेंगे 2 अंडे, इसमें 2 अंडे डालेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ता है, 15 मिनट में हमें ऑर्डर रेडी करना है। ये डाला मैंने दूसरा एग भी इसके अंदर, ये हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसमें हम अभी थोड़ा सा पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए। थोड़ा सा और डालेंगे, इसमें जाएगा नमक। अभी मुझे रोटी भी बनानी है, 3 रोटी बनानी है। नमक डाल दूंगी मैं इसमें, थोड़ा सा नमक देती हूँ। अब मैंने बॉईल किए हुए अंडे रखे हुए हैं, बॉईल करके रखती हूँ मैं ऑर्डर से पहले, तो उनको पील करके मैं करी में डाल दूंगी। सवेरे उठते ही मैं आटा गूंद लगाती हूँ, आटा गूंद के रखती हूँ, फिर चावल बना के रखती हूँ और अंडे उबाल के रख देती हूँ, ठीक है। ऑर्डर के टाइम पे मैं डालने के लिए मैंने 1 अंडा डाला है। इसको मैं फ्राई नहीं करती हूँ अंडे को। अंडे को फ्राई करने से क्या होता है ना, बताते हैं बहुत लोग, फ्राई करके डालो अंडा करी में, फ्राई करके डालो, ऊपर की जो स्किन होती है ना क्रिस्पी तो हो जाती है लेकिन अंडे रबर जैसे बन जाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी वो पके हुए होते हैं, फिर आपको उनको फ्राई करना होता है तो और ज्यादा पक जाते हैं। ये मैंने डाल दिया दूसरा अंडा भी। अब हम बनाएंगे सैंडविच, ठीक है। तो इसको मैं करी को उबालने के लिए साइड में रख देती हूँ, जब तक रोटी और सैंडविच बनेगा करी हमारी बनती रहेगी। चलिए इसमें मैं मसाले डाल देती हूँ। अभी बहुत सिंपल मसाले आते हैं सैंडविच में, हल्दी चाहिए, थोड़ी सी लाल मिर्च चाहिए, थोड़ी सी जाएगी ये चिली फ्लेक्स और ये जाएगा अंडे का मसाला। अंडे का अलग से मसाला आता है सैंडविच के लिए, भुर्जी के लिए, और जाएगा नमक। तो इनको मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। जल्दी जल्दी करना है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स आपको भूलना नहीं है कोई भी, सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से और माप के डालने हैं, क्योंकि रेटिंग का इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो खाना भी आपका अच्छा ही बनना चाहिए, कितना भी टाइम हो, कम हो ज़्यादा हो, खाना अच्छा ही देना है आपको, ठीक है। अभी हम इस पर ये जो मिक्सचर बनाया मैंने सैंडविच का वो डाल देंगे, इसको फैला देंगे अच्छे से। फिर इस पर रख देंगे हम लोग 2 ब्रेड्स और फिर इस पर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। इनको थोड़ी देर बनने देते हैं। फिर मैंने बनानी है रोटी। रोटी के लिए मैं तैयारी कर लेती हूँ। आटा मैंने निकाल के रखा था, चकला बेलन में ले लेती हूँ। अब सैंडविच को हम पलट देंगे, देखिए एक साइड से हो गया है अच्छे से, इसको हम पलट देंगे। तुरंत निकाल देना है हमें कंटेनर में। ग्रीन अनियंस में यूज नॉर्मली ग्रीन अनियंस ही यूज कर लेती हूँ। अभी और एक बार इसको पलट देंगे हम लोग अच्छे से। ग्रेवी हमारी उस साइड पे उबल रही है, देख सकते हो। अभी सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है,
इसको हम बीच में से कट करेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी होता है ये। कंटेनर में हम लोग इसे शिफ्ट कर देंगे। इसको तुरंत ही हमें लॉक कर देना है, गरम गरम ही हमको जाना है। चलिए अब रोटी बना देते हैं। 3 रोटी हमें देना है। बहुत छोटी रोटी नहीं बनाती हूँ मैं, 3 में एक आदमी का खाना अच्छे से हो जाएगा, उतनी ही रोटी मैं बना के दे देती हूँ। चलिए ये थोड़ा सा कम ऑर्डर है, कभी कभी 6 रोटी 10 रोटी भी आपको बनानी पड़ती है, वो भी 10 से 15 मिनट में, ठीक है, सब्जी के साथ रोटी। ये डाल दी हमने रोटी। रोटी का हमेशा याद रखिएगा फुल गैस की फ्लेम होती है, उसके ही आपको सेकना है, क्योंकि धीमी आंच पे सेकोगे वो कड़क हो जाएगी। फुल पे जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी आपको रोटी को सेक लेना है। ग्रेवी मेरी रेडी हो चुकी है, अभी सैंडविच मेरा बन चुका है, अब रोटी मेरी, अभी बॉइल निकाल लेती हूँ। रोटी जाती है मेरी फॉइल में, हमेशा ही रोटी फॉइल में ही जाती है, तो अभी एक रोटी में निकाल लेती हूँ, दूसरी डाल देती हूँ। फटाफट से इसको गैस पे ही हम लोग सेक लेंगे। अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेना है। ये विदाउट ऑयल की बटर की रोटी है, ये सिक गई, दूसरी भी हमारी एक तरफ से पक गई है। अब हम बनाएंगे 3री रोटी। ये जाएगी हमारी 3री रोटी। जोमेटो में बहुत ही कम टाइम होता है, जितनी ऑर्डर होती है उतने हिसाब से वो लोग टाइम देते हैं। अगर एक ही सैंडविच है तो 6 से 7 मिनट मिलते हैं, थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर है 14 से 15 मिनट मिलते हैं, उससे भी थोड़ा बड़ा ऑर्डर है तो 20 मिनट तक मिल जाते हैं। 20 मिनट से ऊपर उनका टाइम नहीं होता है, ठीक है, 20 मिनट तक ही आपको टाइम वो लोग दे पाते हैं, क्योंकि फिर कस्टमर भी वेट नहीं कर पाते हैं ना 20 मिनट तक खाने के लिए, इतना वेट करना, फिर उसको डिलीवरी वाले को भी टाइम चाहिए होता है 20-25 मिनट, तो 1 घंटे तक कोई वेट नहीं कर सकता। अगर भूख लगेगी तो वो तुरंत ही ऑर्डर कर देंगे, तो उनको कम से कम टाइम में खाना पहुंचाना हमारी जवाबदारी होती है, ठीक है, जिम्मेदारी होती है। अगर मैं जल्दी बना के दूंगी तो डिलीवरी वाला जो लेके जाते हैं लड़के, वो भी जल्दी जल्दी से, देखिए ये हो गई 3री रोटी मैंने डाल दी, रोटी का काम खत्म हो गया। अब हम लोग पैकिंग करेंगे। मैंने लिया है कंटेनर ग्रेवी के लिए, तो ग्रेवी को मैं डाल देती हूँ कंटेनर में, देखिए इस तरह से। बस ग्रेवी हमारी मैंने डाल दी है, इसको हम पैक कर देंगे, ठीक है, ग्रेवी हो गई पैक। रोटी है फॉइल मैंने ले ली 1-2, तीसरी चपाती भी इसमें जाएगी। बहुत ही मजा आता है, मतलब स्टार्टिंग में मेरी ऑर्डर बहुत कम आती थी, तो और टाइम का इतना ख्याल नहीं था नया नया, तो 15 मिनट में 20 मिनट में कभी कभी बहुत लेट भी हो जाता था, ऑर्डर का मतलब बीप भी बजाता है कि ऑर्डर का टाइम खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद से मुझे प्रैक्टिस हो गई तो उतने टाइम में मैं खाना बना लेती। ये हो गई रोटी हमारी पैक, ठीक है, तो अभी मैं इसको डालूंगी अपने कैरी बैग में। उससे पहले जो हमने सैंडविच पैक किया था, अभी थोड़ा सा बोल रहे हैं कोरोना को लेकर थोड़ा सा अवेयरनेस बोल रहे हैं, तो मैं
उनके साथ सैनिटाइजर भी दे देती हूँ, ठीक है। हर एक डिलीवरी के साथ एक सैनिटाइजर दे देती हूँ, एक आदमी के लिए हो तो एक देती हूँ, अगर खाना ज़्यादा हो दो पर्सन के लिए तो दो सैनिटाइजर लगा देती हूँ, ठीक है। इसके साथ में ये चला जाता है, रोटी चली जाती है अंदर, और ये हो गया मेरा ऑर्डर पैक, अभी ये जाएगा डिलीवरी के पास। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए।